हेलो दोस्तों, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एस सीरीज, इसमें हम शॉकर इंस्टॉल करने वाले हैं बिना स्प्रिंग कूलर के साथ। इसमें हम स्प्रिंग कूलर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको मैनुअली हम शॉकर इंस्टॉल करेंगे इसमें, और आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से इसमें शॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपकी शॉकर लीकेज हो जाती है, या कोई इस वीडियो को देख कर करना चाहे तो ईजी कर सके। तो ये महिंद्रा की शॉकर है, ये ओरिजिनल शॉकर है, मार्केट में मिलती है अलग से, मोनरो पे भी मिलती है। तो जब भी आप शॉकर लीकेज हो जाती है तो आप केवल शॉकर ही बदल दें, स्प्रिंग भी टूट जाती है तो स्प्रिंग अलग से आती है। तो आप इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी क्वाइलें बहुत मोटी होती है, तो स्प्रिंग कूलर से भी दबाना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है। तो हम इस गाड़ी में मैनुअली इंस्टॉल करने वाले हैं जैक के हेल्प से। और ये इसकी बुशिंग बम्प है, और इसके ऊपर से लगी होती है कवर शॉकर में। तो सबसे पहले हमें करना यह होता है कि अगर हम स्प्रिंग कूलर के साथ अगर इंस्टॉल करते हैं तो इसको दाबना होता है, चापना पड़ता है इसको, मगर हम इसे चापेंगे नहीं। सबसे पहले हम शॉकर के अंदर बुशिंग बम्प को हम फिट करेंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये शॉकर है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर स्प्रिंग को ऊपर बैठा लेते हैं इसके जगह पर। जब ये जगह पर इसके बैठ जाएगी तो नीचे से हम इसके शॉकर को डालेंगे। तो यहाँ थोड़ी जगह कम होता है तो इसको नचा नचा कर हमें बैठाना होता है। तो ये बैठ चुका है, अब हम इसके नीचे से शॉकर डालेंगे। इस शॉकर में हमने बुशिंग बम्प और ये कवर को हमने पहले डाल दिया था, तो अब इसको नीचे से लगाते हैं। और ये नीचे से लगने के बाद हम इस शॉकर में आर्म में पिन डाल देंगे कि जिससे अलग नहीं हो। तो दोस्तों, हमने पिन डाल दी है नीचे से आर्म में, शॉकर अलग हटे नहीं इससे, और ऊपर हमने इसकी सॉकेट होती है और बुश होती है जो हमने लगा दी है, और कवर भी और बुशिंग बम्प भी हमने इससे पहले डाल दी थी। तो अब ये हो चुकी है रेडी शॉकर फिट होने के लिए। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, ये बिल्कुल ठीक जगह पर है, इसको सेंटर लेकर और नीचे से हम एक जग को लगाएंगे, और यहाँ ये धीरे धीरे जब ऊपर आ जाएगी तो इसके बाद इस बुश को रख कर हम और वाशर रख कर नट को लगा देंगे, जिससे कि ये शॉकर फिट हो जाए। आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, क्वाइलों की सेटिंग हमने कर दी है, नीचे से जग भी डाल दिया है, अभी हमने जग को उठाया नहीं है। सबसे पहले हम इसकी सेंटर को देख लेंगे कि ये सही जगह पर जा रही है या नहीं। तो ये बिल्कुल सेंटर पर है, अब हम नीचे से जॉक को धीरे धीरे उठाएंगे, और ये शॉकर का जो चूड़ी है वो ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगी तो हम उसके ऊपर बूश रखेंगे और वाशर रखकर नट को फंसा देंगे। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे करके इसको उठाएंगे और इसकी चूड़ी ऊपर आती जाएगी। देखिए ये किस तरह से आ रही है, तो इस तरह से आप फंसा सकते हैं इसको।